किसान जो दिल्ली में आज आंदोलन कर रहे थे उनके बारे में हम ये मोर्चा सरकार के ये मोदी सरकार को अपने को आने वाले 24 को हटाना चाहिए। बीजेपी सरकार और ठाकरे सरकार के निश्चित करने के लिए आज हम मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। RPIA रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाव निखालजे के नेतृत्व में बढ़ती महंगाइयों को लेकर महावीर सोनावने ने निकाला मोर्चा मानपुर महाराष्ट्र नगर सिग्नल पर और की मांग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। LPG गैस पेट्रोल बिजली बिल पर और बच्चों के भी स्कूल फीस पर आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। इनकी मांग थी कि इस तरह से महंगाई लोगों की कमर तोड़ दे रही है, सरकार को इस चीज पर नज़रअंदाजी नहीं करना चाहिए बल्कि इस पर काम करना चाहिए और जनता के लिए सहायता की कोई न कोई जरिया निकालनी चाहिए। ये कहते हुए इन्होंने मांग किया राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारी मांगे पूरी की जाए और इस तरह के महंगाइयों के वक्त में अब कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगाएं लेकिन गरीबों के खाने पीने की इंतज़ाम जरूर करें, ऐसा मांग करते हुए नज़र आए। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए उप जिला अधिकारी को लेटर भी दिए और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की उम्मीद किए और उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी इस बात पर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। एलआईसी असेल या सर्व कंपन्या त्यांनी या विकून टाकण्यात आल्या आणि आपल्याला सांगितलं होतं या जनतेला की आम्ही 2000 कोटी कामगार लवकर घेऊ आम्ही, त्या सुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही। आणि त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं होतं की तुमच्या अकाउंटमध्ये 15-15 लाख येणार आहे। नंतर विचारण्यात आलं तेवढे जुमला आहे म्हणूनच तुम्ही या आमच्या सर्व या भारताच्या जनतेला तुम्ही फसवण्याचं काम केलं आणि त्याचबरोबर संपूर्ण जगामध्ये या पेट्रोलची किंमत 50-54 आहे पण आमच्या भारत देशामध्ये या पेट्रोलची किंमत ही 100 रुपये या मोठ्या वेगाने त्यांनी वाढवलेली आहे। काय करायचं आहे यांना? या देशाला त्यांना विकायचं आहे का? या देशामध्ये मनवाज आणायचा आहे का? त्याचप्रमाणे या ठाकरे सरकारने सुद्धा या गोरगरीबी जनतेच्या जो बिल दिलाय, वीज बिल दिलाय, हा भरमसाठ बिल त्यांनी वाढवून या लोकांना त्रास देण्याचं काम केलंय। या सरकारचा पण सुद्धा या ठिकाणी मी निषेध करतोय कारण ही सर्वसामान्य माणसं जे रोजगार त्यांचे या कोरोनामध्ये गेलेलं आहे त्यांच्याकडे कुठून पैसा येणार? ही लोक भरमसाठ बिल येत आहे आणि ती बिल भरण्याची ताकद या जनतेमध्ये नाही आहे। या जनतेने आता येणाऱ्या 22-24 ला आपल्याला उठाव करायचा आहे आणि या सरकार आपल्याला हुलतून टाकायचं आहे कारण या सरकारने या जनतेला फार प्रेरणा केलेलं आहे। जनतेचं स्वप्न होतं की काँग्रेसने 70 वर्ष राज्य केलं पण येणारं जे सरकार आहे हे आपल्याला चांगल्या सुखसोयी देईल पण नाही। या सर्व मोदी सरकारने या बीजेपी सरकारने ज्या काँग्रेसची जे कंपन्या कमावल्या होत्या ज्या काँग्रेसने सगळं कमावलं होतं ते सर्व विकायचं काम या मोदी सरकारने केलेलं आहे। या मोदी सरकारच्या आपण या ठिकाणी आपण लिबरल पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने शिवभाव निकालचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या वतीने महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष सुनीता चव्हाण यांच्या वतीने आपण या ठिकाणी आपण जाहीरपणे निषेध करतो। आज तुमच्या दरबार या अनुषंगाने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवभाव निकालजे सन्माननीय आदरणीय चव्हाण
उमेश अंबानी महावीर शिंदे नेतृत्वाखा आज महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण देशामध्ये महागाईचा मोठा भडका वाढलेला आहे आणि या महागाईच्या भडक्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची आजची परिस्थिती आहे एकदम हलकी चालू आहे। त्याच्यामध्ये कोरोनासारखा महाभयंकर रोग या देशावर येऊन आपला राज्य गाजवत आहे आणि याच्यामध्ये जे राज्य चालवणार आहे महाराष्ट्र राज्य सरकार असो या केंद्र सरकार असो या लोकांना सर्वसामान्य माणसाची कोणतीही काही काळजी वाटत नाही। त्यांचा सर्वसामान्य माणूस एक किडामुंगी सारखा ते समजतात। या अनुषंगाने या लोकांनी आज देशामध्ये महाभयंकर महागाई व महागाई महागाई व महागाई वाढत चाललेली आहे। डिसेंबर महिन्यामध्ये गॅसची किंमत 600 रुपये होती। आज मार्च एप्रिलमध्ये गॅसची किंमत 800 रुपयावर गेलेली आहे। आज आमच्या महिलांचे आमच्या आया बहिणींचे कंबरं मोडून टाकलेले आहे या महाराष्ट्र शासनाने आणि या केंद्र सरकारने। आज आमच्या शेतकऱ्यावर एवढी आणीबाणी आली असताना आज हे केंद्र सरकार जाणून बुजून आमच्या शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचं काम करत आहे आणि आम्हाला वेठीत धरण्याचं काम करत आहे। आम्ही या केंद्र सरकारमध्ये बसणाऱ्या औरंगजेबचा आम्ही निषेध करत आहोत। मी औरंगजेब ह्या अनुषंगाने बोललेलो आहे। आज आम्हाला आमच्या छत्रपती आमचे रायतेचे राजे शिवाजी महाराज यांची आठवण मला येत आहे। शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैनिकांना असे आदेश दिले होते ज्या ज्या वेळेस तुम्ही लढाईला जाल आणि परतून याल त्यावेळेस माझ्या शेतकऱ्याच्या बांधावून जाणार त्यावेळेस माझ्या शेतकऱ्याच्या दादा शेतीच्या किंवा मेथीच्या भाजीच्या देठाला पण धक्का लागला नाही पाहिजे असे आमचे रायतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बोल होते त्यांचे असे आदेश होते। आणि आज आमच्या केंद्रामध्ये बसलेले औरंगजेब आमच्या शेतकऱ्यांना भेटी धरून आज 4 महिने ते उपोषणाला बसले आंदोलनं करत आहेत पण त्यांना जाणून बनून बुजून त्यांच्यावरती काळा 3 कायदे त्यांच्यावरती लादलेले आहे। अहो ज्या गोष्टी आम्हाला पाहिजे तुम्ही आम्हाला का देता? आमची मागणी आहे सर्वसामान्यांच्या जसा झाला तुम्ही आमची परिस्थिती आहे महागाई कमी करा त्याच्यावरती कुणाचं लक्ष नाही। आज इंजनचं तेलचं एवढ्या किमती वाढल्यात पेट्रोलचं डिझेलचं किमती वाढल्यात खाद्यपदार्थाच्या तेलाचं पण किमती वाढल्यात गॅस सिलेंडरचं किमती वाढल्यात म्हणजे याचा अर्थ सर्वसामान्य माणसाला तुम्ही वेठीत धरण्याचं काम करून तुम्ही सरकार चालवत आहात। म्हणून या सरकारच्या विरोधामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊनिकाळजे आदरणीय सुनीताताई चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज मुंबईभर आम्ही आंदोलनं निषेध आंदोलनं आम्ही चालू केलेले आहेत। आम्हाला लोकांना हा मेसेज द्यायचा आहे आज मुलांच्या शाळा बंद असून ऑनलाईन मुलांचे शिक्षण घेतात पण शाळेवाले जाणून बुजून पालकांकडे फीची मागणी करतात याला सरकारने कुठेतरी आळा घालायला पाहिजे। शासन तुमचं आहे सरकार तुमचं आहे सर्व गोष्टी तुमच्या आहेत पण आम्ही सर्वसामान्य लोकांसाठी आज खर्चावरती उतरलो आहेत। आमची व्यथा जाणून घ्या आमच्या लोकांची व्यथा जाणून घ्या। आज सर्वसामान्य जनता तुम्हाला माफ करणार नाही। मोदी सरकार मी जे चालवलेलं आहे तुमचा 2024 पर्यंत राज्य चालणार याच्यापुढे मोदी हे कुठे दिसणारच नाही। आजची अशी परिस्थिती मोदी सरकारने आणून ठेवली या बीजेपी सरकारने आज सर्वसामान्य माणसाचं एकदम जीवन हलाकीचे करून सोडलेले आहे। अशा सरकारचा आमच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाकडून आम्ही त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माननीय अध्यक्ष माननीय पाणी साहेब या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करतील। महाराष्ट्राच्या महिला अध्यक्षा सुनीताई चव्हाण राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकाजे यांनी ही वाढती मागणी डिझेल पेट्रोलचे गॅसचे जे भाव वाढत चालले तर हे गरिबांच्या मध्ये एकतर कामधंदा नाही एकदम लॉकडाऊनमुळे लोक परेशान आहेत आणि त्याच्यामध्ये महागाई वाढत चालल्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्षाने आम्हाला आदेश दिले की आपल्याला सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन करण्यात यावेत म्हणून मुंबईभर आपले आता आंदोलन चालू राहणार आहेत। शाळेच्या फी
लोकांकडे पैसे नाहीत पण शाळेतल्या ऑनलाईन जरी शाळा चालू असल्या तरी त्याची फी माफ करण्यात यावी अशी आम्ही सरकारला एक निवेदन देणार आहेत आणि विनंती आंदोलन चाहिए आम्ही एक सांगत आहोत. शेतकऱ्यांचा विषय आहे, मोदी सरकारने लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या विषयावरती निर्णय घ्यायला पाहिजे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायला पाहिजे आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे निकाल द्यायला पाहिजे असं एक आमचं शासनाला म्हणणं आहे, सांगणं आहे आणि विनंती आहे. त्याच्यानंतर जे गॅस डिझेलचे जे भाव वाढत चाललेले आहेत ते त्यांनी कुठेतरी थांबायला पाहिजेत. इलेक्शन आले, इलेक्शन होऊन गेले, या टायमाला काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं, त्या टायमाला बीजेपी सरकारने मोठमोठ्या घोषणा केल्या, लोकांना आम्ही दाखवलं की आपण रोजगार देऊ, महागाई कमी करू, डिझेल पेट्रोलचे गॅसचे भाव कमी करू. पण ह्या सरकार आल्यापासून 2-4-5-10 पटीनं रेट वाढत चाललेत म्हणून कोर करीत जनता या सरकारला परेशान झालेले आहे. गोर गरीब जनतेचं मोठ्या प्रमाणामध्ये एक फसवणूक एक निवडणूक होत आहे हे सरकारने लक्ष घ्यायला पाहिजे. त्याकरता मोदी सरकार, ठाकरे सरकार आम्ही आंदोलनाच्या मार्फत आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण वाढती महागाई कमी करावे. कोरोना वाढत चालल्यामुळे लॉकडाऊनचा विषय झाला आहे, त्यात पहिला गरीब जनतेचा राशन असेल त्यांचं खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी, त्यानंतर आपण लॉकडाऊनचा विचार करावा. कारण की लॉकडाऊनचा विषय काढला की लोकांमध्ये भीती पसरलेली आहे की परत लॉकडाऊन पडते होते का काय. जर लॉकडाऊन जर परत असेल तर या सरकारने लोकांना राशन व जेवणाची व्यवस्था करावी, त्यानंतर लॉकडाऊन आपण सांगाल तसं करावा. आपल्याला जनता सोबत आहे. जर आपण अन्नधान्य बंद करत असाल आणि लॉकडाऊन करत असाल तर जनता घरामध्ये गप्प असणार नाही. जर तुम्हाला सक्सेस करायचं असेल तर राशन पाणी जेवण देऊन जनतेला विश्वासात घेऊन लॉकडाऊन करा. हे अशी आमच्या पक्षाच्या वतीने एक विनंती करत आहे. इथे सांगतो आणि पोलीस प्रशासनाचं मी धन्यवाद देतो. हे भेट हे बुद्ध जय शिवराय. आम्हाला उद्देश हे की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाऊ निकाळजे, भारताच्या महिला अध्यक्ष सुनीताताई चव्हाण यांच्या आदेशाने आज मुंबईभर आणि राज्यभर आम्ही महागाईच्या विरुद्ध डिझेल पेट्रोल गॅसची महागाई वाढत चाललेली आहे, इसके लिए हम मुंबईभर आंदोलन करने वाले हैं. ये सरकार को हम आह्वान कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ये डीजल का जो रेट कम करने वाले थे, लेकिन जब कांग्रेस का सरकार था उस टाइम पे बीजेपी सरकार ने बोला था कि हम आपका महंगाई और गैस डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ते में तभी से रेट 2-3-4-10 बार उन्होंने रेट बढ़ा के महंगाई कर दी है. इसलिए हम बीजेपी सरकार और ठाकरे सरकार के निश्चित करने के लिए आज हम मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं. सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की कि लॉकडाउन शुरू होने वाला है, उसके लिए लोग आज जिस जगह से कारोबार थोड़ा सा ऊपर आएगा लेकिन जो उस जगह से नीचे आ जाएगा उसके लिए सरकार लॉकडाउन करना चाहते हैं तो करने दो, हमका इसका विरोध नहीं है. लेकिन सरकार को हम आह्वान करते हैं, अगर आपको लॉकडाउन करने का है तो पहला गरीब लोग को राशन दो, लोगों को गरीब लोग को खाना पीने का व्यवस्था करो, उसके बाद क्या आप लॉकडाउन कर सकते हैं. ये तो लॉकडाउन होने के परिणाम सुन के आज लोग परेशान हो गए कि बाद में और ऑफिस लॉकडाउन होता है क्या, तो लॉकडाउन हो जाएगा, उनकी हालत पहले से खराब हो चुकी है और हालत बहुत खराब हो जाएगी. इसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं कि सरकार अगर आप लॉकडाउन करना चाहते हैं तो लॉकडाउन कीजिए, लेकिन गरीब लोग को पहला राशन पानी का बंदोबस्त, खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए, उसके बाद आप लॉकडाउन कर सकते हैं. आज सरकार के पास किसानों का एक अहम मुद्दा लेके आप उसके बारे में क्या कहेंगे. किसानों के बारे में आज 4 महीने भी ज़्यादा हो गया, अभी भी लोग मोर्चे पर जुटे हुए हैं, आज सरकार को राशन दी. आज
देश भर में किसान का आंदोलन चालू है, उसमें हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बहुनिका जी, इन्होंने भी किसान के साथ है और हम उनके समर्थन में विषय लेके आज रास्ते में उतरे हैं। और मुंबई भर, राज्य भर, दूसरों राज्य में, देश भर हमारा जगह जगह पे आंदोलन चालू है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बहुनिका जी, उनका एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और हमने ये जो मोर्चा निकाला है, ये मोर्चा है इंडियन पेट्रोल डीजल और गैस भाजपा चुनाव चलाते हैं हमारे वहाँ में। और जो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं बीजेपी में, हर वार्ड के बारे में, और जो किसान जो दिल्ली में आज आंदोलन कर रहे थे, इनके बारे में हम ये मोर्चा जनता के विरोध में निकाला है। क्या सरकार की मांग के लिए अब 4 महीना हो गया है यार, किसान अभी भी आंदोलन के जारी है, उसके लिए सरकार का क्या? हमारे राष्ट्रीय महासचिव मोहन जी पाटिल साहब ने कई हफ्ते में ही किसानों के समर्थन में हम हमारी पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बहुनिका जी, आदरणीय सुब्रताई चौहान, इन्होंने समर्थन किया है। हम किसानों के बच्चे हैं, हम किसानों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और जो ये महंगाई है, ये महंगाई के बारे में हम मुंबई भर हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी कार्यकर्ते हैं, मुंबई भर में हम एडिशन करने में सोच होने वाला है, एडिशन हम करने वाले हैं, आने वाले ये जो राज्य सरकार उनको हम निवेदन देने वाला है, जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है उनके बगल में बैठ के आप काम मत करो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज तक पब्लिक को सिर्फ यूपीआई बनाने का काम कर रही थी, उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी को बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपये आएगा, आज 15 पैसा भी अकाउंट में नहीं आ रहा है। ये सब उनकी एक राजनीति है। और हम लोग जो हमारा रिपब्लिकन पार्टी है, ये प्रजातंत्र पार्टी है, ये पब्लिक की पार्टी है, हम कोई भी राजनीति करना नहीं चाहते। हम जो आंदोलन कर रहे हैं, हम जो निषेध कर रहे थे, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो महंगाई का भड़का है, ये महंगाई का भड़का कम हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी को फायदा हो। जो महंगाई बढ़ रही थी, बोलो तो आज हमारी माँ बहन जो गैस का चूल्हा जलाती है, दिसंबर महीना में ये गैस का बाटली का कीमत 600 रुपया था, अभी मार्च महीने में इसका 800 रुपया हो गया है, बोला 3 महीने में अगर 200 रुपया बढ़ता है तो आम आदमी कैसे जी सकता है। कम से कम ठाकरे सरकार को ये मालूम होना चाहिए क्या बाबा, ये जो महिला लोग इनके ऊपर जो बाल बच्चे का परिवार का बोझ होता है, तो उनको जो खर्चे के लिए उनका जो जो आदमी लोग पेमेंट देते हैं बगैर देते हैं, तो बगैर तो उनको उनका महीने का खर्चा चलाना पड़ता है, तो उनका तो सामान्य जीवन चलित होने रहता है। तो हमारा ये कहना है जो महंगाई है, कम से कम महाराष्ट्र से जो महाविकास आघाड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना ठाकरे पार्टी हो, हमारी उनसे विनती है कि कम से कम महाराष्ट्र में तो कम से कम गैस का जो बाटला है जो 600 रुपया है, उसका फिर से 600 रुपया करा दो, 800 रुपया और कम करा दो, इससे 200 रुपये तो बच जाए, क्योंकि कोरोना के वजह से आम आदमी को जो आने वाला जो महीने का जो सैलरी होती है वो सैलरी भी कम हो रही है, जो उद्योग धंधा है वो भी कोरोना के कारण बंद है, तो आम आदमी का जीना जो इतना मुश्किल हो गया है। तो हमारी सरकार से विनती है, हमारा उनसे हाँ तो हमारी ये विनती है कि हम उनसे निवेदन देना है कि हमारे निवेदन पास करा लो, अन्यथा मुंबई भर आंदोलन चालू रहेगी। सर आज की दौर में पेट्रोल पंप पे के पास करा, उसके बारे में जानकारी बताएंगे? मोदी सरकार ने, ये केंद्र सरकार जो वर्ल्ड में जब 40 लीटर पेट्रोल मिलता है वो हमारे भारत देश में 100 के करीब इसकी कीमत जा रही है, और डीजल का ही भाव रोज बढ़ रहा है, और ये मोदी सरकार को अपने को आने वाले 24 को हटाना चाहिए, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड में या भारत देश में सामान्य पब्लिक बहुत परेशान हो गई, उस पब्लिक ने इनको छोड़ के दिया है कि आने वाला सरकार अपने लिए कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने लालच दिया कि हम ये भारत देश में सब सस्ता ही करेगा, लेकिन सब महंगा करने का काम किया,
ये देश में जो 70 साल में कांग्रेस को सीसी एसीसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बीजेपी सरकार को क्यों जरूरत है? और ये सरकार ने अपना पूरा जो कंपनियां है, जो अदानी है, वो अदानी को बेचने का काम किया या अंबानी को बेचने का काम किया। पूरा वर्ल्ड में जितने भी कंपनियां था, जिस कंपनी में हमारे सब तरुण वर्ग लोग ये नौकरी करते थे, लेकिन आज उनके पास कोरोना के वजह से नौकरी नहीं रह गई। आज पब्लिक परेशान है और इस परेशान का जिम्मेदार ये अमित शाह है और ये मोदी है। ये दोनों ने मिलके इस देश का सत्यानाश करने का काम किया है और इस देश में आज ये नौजवान बना है। इनको कहा था कि 2 कोटी उनको नौकरी देने वाला था, कहा गया 2 कोटी नौकरी। और ये सरकार को अपन ये आने वाले 24 को अपन ये सरकार को उखाड़ फेंकने वाला है। और मोदी सरकार अब याद रखो, अब ज्यादा इसमें रहो मत कि आज हमारा सब पब्लिक पूरे तरह से प्रचंड उग्र आंदोलन कर रही है और आने वाले इसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकाल जाए, महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनीता चौहान, इनके वजह से ये पूरे देश में हम लोग ये उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे भारत भर में महाराष्ट्र भर में हम हंगामा करेंगे कि आने वाले 24 को हम उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को। यही आपसे इस सदस्य में आपको निवेदन करता हूँ कि अपन ये चैनल के माध्यम से ये जो पूरे महाराष्ट्र में आप पूरा फैलाव किए कि आने वाले दिन में अपने को मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जितनी मोदी सरकार जिम्मेदार है उतनी ही महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार है। अगर राष्ट्रीय लेवल पे अगर पेट्रोल डीजल गैस के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार को साथ दे रहे हैं, हम लोग आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र में सरकार ने जो 3 पार्टी के सरकार ने अगर एक महाआघाड़ी बनाई है भाजपा को अलग रख के, तो ये 3 पार्टी की सरकार ने मिल के क्यों नहीं केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर दिए या एक बड़ा आवाज उठा दिए। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये 3 पार्टी भी मोदी सरकार से मिली हुई है और ये सब मिली भगत है, ऐसा हम लोग को लगता है। जैसे मियां बीवी का खेल रहता है, दिन में झगड़ा करो रात को एक हो जाओ, ऐसा मोदी सरकार और ठाकरे सरकार का शायद ऐसा ही रिश्ता चालू है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की वजह तरफ से और आदरणीय दीपक भाव निकाजे साहब है, हमारे महिला महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष आदरणीय सुनीता चौहान, इनके आदेश दिया उन्होंने कि पूरे मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में मोदी सरकार और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हम लोग पूरे महाराष्ट्र भर जन आंदोलन करने वाले हैं और ये आपके माध्यम से हम लोग दोनों केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से हम निवेदन दे रहे हैं, हम लोग उनको उनका तीव्र निषेध कर रहे हैं और इसके खिलाफ अगर सर बंगाल में और पंजाब में मोदी सरकार का बहिष्कार किया गया है बीजेपी पार्टी का, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बराबर है, अगर वहाँ पे उनका अगर बहिष्कार किया है तो उधर जो इधर पार्टियाँ हैं जो है उनको मालूम है कि भाजपा मोदी सरकार जो है वो इस देश का पूरा सत्यानाश करने के लिए ये सरकार सत्य में आए हुए हैं। तो अगर उधर हो सकता है तो इधर भी होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने आघाड़ी सरकार जो इस पार्टी का जो पक्ष मिलकर सरकार बनी है उन्होंने भी भाजपा को ये सब यहाँ पे भी उनको बहिष्कार डालना चाहिए और यहाँ पे भी उन्होंने अगर सच में वो लोग जनते का भला चाहते हैं तो उन्होंने भी जनते के बारे में पूछना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बंगाल में भी अभी चुनाव का मामला चल रहा है तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा लगता है क्या? जरूर उनका हार का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। आज 7 साल में इन्होंने खाली बड़े बड़े वादे किए हैं, वादों के अलावा इन्होंने कुछ काम किए नहीं। ये लोग गरीबों की सरकार नहीं है तो ये अमीरों की सरकार है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की सरकार है, जहाँ पे अदानी है, मुकेश अंबानी है, जहाँ पे और बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इनके लिए भाजपा सरकार बनी है।
और ये लोग उनका ही भला चाहते हैं, ना गोर गरीब का भला चाहते हैं। तो जैसे ये लोग अभी एक एक राज्य में खत्म हो रहे हैं, जैसे इनका जो इनकी सत्ता जा रही है, वैसे ऐसे ऐसे ये लोग पूरे भारत भर में इनका खत्म होना चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। आम आदमी ने साइकिल चलाना जरूरी है, जो उनसे ना तुमको पेट्रोल डालना पड़ेगा ना डीजल डालना पड़ेगा। हमारा जो मोदी सरकार जो औरंगजेब बैठा है दिल्ली में, वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या? हमारी बहुत व्यवस्था दिखते हैं उनको, हमारी बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम ये महाराज कंट्री के कंट्री के भूमि भूमि के लड़के लोग हैं। हम शिवाजी महाराज के माओ में है, इसलिए वो दिल्ली के औरंगजेब को बताने के लिए हम टू व्हीलर छोड़ के आज हम साइकिल सर, आज जो आंदोलन हुआ उसके समय में आप दुग जिला अधिकारी को क्या निवेदन दिए, किस बारे में? अभी हम मैडम को मिले, उप जिलाधिकारी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम हमारा जो प्रस्ताव है, हमारी जो मांगे है, वो हमने एप्लीकेशन में लिखा था और वो एप्लीकेशन उप जिलाधिकारी मैडम के पास देके अभी हम बाहर आए हूँ। उन्होंने सकारात्मक चर्चा हो गई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम भारत प्रशासन और केंद्र सरकार शासन को हम हमारे इसमें से मैसेज देंगे, भेज देंगे। क्या मांगों को लेकर आप निवेदन दिए अभी? हमने मांगो ये रखा था कि डीजल पेट्रोल और गैस, बच्चों के स्कूल की फी और लाइट बिल है वो महाराष्ट्र शासन ने क्या किया है कि जो बिल मनमानी बिल भेजा है तो लोग सब परेशान हैं। जहाँ पे 300, 400, 500 रुपये बिल आता था, वहाँ पे 1500 रुपये मंथली बिल भेजा है। जिनके पास फ्रिज नहीं, टीवी नहीं, खाली पंखे का और लाइट का कितना बिल कैसा आ सकते हैं, सबको परेशान हो गए। इसीलिए मैं सरकार को हमारा ये कहना है कि ये बिल माफ़ करो, और दूसरी बात यह है कि माफ़ नहीं हो सकता है तो उसके ऊपर चर्चा करके कम करके दो, ताकि एक गरीब लोग को एक दिलासा मिले। पार्टी ऑफ इंडिया, दीपक भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।